नमस्कार, मैं लिपिका लिपी किचन से। आज हम बनाने जा रहे चिली चिकन इंडो चाइनीज़ रेसिपी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून व्हाइट विनेगर, 1/4 टीस्पून चिली सॉस और 3 कलर के बेल पेपर को मैंने डाइस कर लिया है। और यहाँ पे 2 ऑनियन को मैंने डाइस कर लिया है और 2 टीस्पून चॉप्ड जिंजर गार्लिक, 1 फेटा हुआ अंडा लेना और चिकन के साथ मिलाना है और उसमें डार्क सोया सॉस डालना है और थोड़ा सा विनेगर डालना है और थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालना है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। फिर उसमें 1 टीस्पून मसाला सॉस डालना है और उसको कवर करके हाफ आवर के लिए रखना है। और फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसको मैरिनेटेड चिकन सब फ्राई कर लेंगे हम उसको, और उसको हमें हार्डली 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना है और मीडियम मोड से लो फ्लेम में फ्राई करना है। पकौड़ा हमारा रेडी हो गया। अभी उसको हम किचन टॉवल में निकाल देंगे सारे तेल, एक्सेस तेल निकालने के लिए, और डाइस्ड ओनियन और सारा बेल पेपर डाल के और 1 चुटकी नमक डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसको साइड में रख लेंगे। फिर चॉप्ड जिंजर गार्लिक डालेंगे। चॉप्ड जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें हाई फ्लेम में करना है। यहाँ पे 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और 1 टीस्पून मसाला सॉस और 1/4 टीस्पून डार्क सोया सॉस लेंगे और उसको मिला के एक सॉस बनाएंगे और उसको हमें ये में डाल देना है और थोड़ा सा फूड कलरिंग डालेंगे क्योंकि हमें एक अच्छा कलर चाहिए। और यहाँ पे हम पूरा सारा पकौड़ा डाल देंगे और यहाँ पे सारे बेल पेपर और फ्राइड ऑनियन सब डाल के अच्छे से मिला लेंगे पानी सूखने तक। यहाँ रेडी हो गया हमारा चिली चिकन। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।